एक्शन रिएक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट जरताज गुल, ओ आई मीन अनिला खान। वफाकी वजीर की अनोखी मंतक, कोविड के 19 पॉइंट्स। खातून की जहानत से मैं खुद इतना मुतासिर हुई कि उन्हीं के गेटअप में आ गई। कोविड 19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। वफाकी वजीर के इस बयान के बाद डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन भी हैरान रह गए कि एक इंतहाई अहम अहदे पे फाइज शख्स कैसे आवाम को गुमराह कर सकता है। कोविड 19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है। वजीर मौसमियात की इस अनोखे मंतक के बाद सोशल मीडिया पर मजाया मीम्स की लाइन लग गई। साहब ने लिखा कि सेनेट में टाई लगा के आने वाले को सैनिटाइजर कहते हैं। एक ने कहा कि साइकिल चलाने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर तो मोबाइल में कार्ड लोड करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहते होंगे। एक साहब ने पूछा तो क्या फिर गाय का दूध बेचने वाले को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। एक डॉक्टर ने ट्वीट किया कि फिर यूं तो N95 मास्क का मतलब 95 कंट्रीज में अवेलेबल मास्क हुआ। किसी ने कहा कि गाड़ियों से डेंट निकालने वाले को डेंटिस्ट कहते हैं। वैसे याद आया, हमारे सदर मुमलिकत भी तो डेंटिस्ट हैं। एक सारिफ ने मजाया मीम शेयर करते हुए लिखा कि जरताज गुल के कोविड 19 के बारे में ख्यालत सुन के साइंसदानों की हालत कुछ यूं है। अब तो 7up कंपनी भी कहती है कि 7up में 7 समंदर का पानी है। एक साहब ने पूछा कि अगर किसी के पास जरताज गुल का नंबर है तो कोई यही पूछ के बता दे कि इंस्टाग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोहतरमा के इस बयान के बाद इन्हें डॉक्टर और प्रोफेसर के खिताब से भी नवाज दिया गया। एक सारिफ ने तो खातून के बयान को इतना सीरियसली ले लिया कि वजीर आजम इमरान खान के बयान को निचोड़ कर 19 नकात ही बना डाले। नंबर एक, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। नहीं, सबसे पहले घबराना नहीं है। नंबर टू, ऑपोजिशन जो बोले उसका उल्टा करना है। नंबर तीन, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं करना। नंबर चार, ये एक आम फ्लू है। नंबर पाँच, WHO की नहीं सुननी। नंबर छः, डॉक्टर्स की नहीं सुननी। नंबर सात, ऑपोजिशन को जेल में डालो। नंबर आठ, वायरस फैला तो जिम्मेदार आवाम होगी। नंबर नौ, मार्केटें खोल दो। नंबर 10, लाहौरियों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बाकी के नुकात आपकी स्क्रीन पर। तो जनाब ये थे कोविड के 19 पॉइंट्स, ओ आई मीन आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट जरताज गुल आई मीन अनिला खान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी चटपटे मजेदार टॉपिक के साथ।